हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पिताजी लेकर आया हूँ, मतलब कि पेस का बाप। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वीटन 18PT2000, जो कि एक ऐसा स्पीकर है अभी तक की सारी कंपनियों में जिन कंपनियों ने 2000 वॉट का 18 इंच स्पीकर बनाया है, उन सबसे बड़ा वॉइस कॉइल सिर्फ इस स्पीकर का है। 6 इंच का बहुत बड़ा साइज का वॉइस कॉइल इसमें दे रखा है। तो आज इस स्पीकर को हम लोग अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग का बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि डुअल 18 का सबवूफर रहेगा और आउटडोर में टेस्ट होने वाला है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर मुझे भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद जो नीचे दिया हुआ है, आपको सारा डिस्क्रिप्शन और एड्रेस दिख जाएगा। यस, आपको इसे वैलिड इनवॉइस के साथ लेना है, यानी पक्के बिल के साथ ही लेना है, तभी आपको ये ओरिजिनल या जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। कमाल का टेस्टिंग रहेगा। आज की वीडियो पूरी इंजॉयबल बनाई है और आप लोग देख के बिल्कुल दंग रह जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्पीकर का पैकेजिंग कुछ इस टाइप का आता है और क्योंकि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे वीडियो को, ताकि आपका और मेरा टाइम कम जाए पैकेजिंग दिखाने में और स्पीकर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें हम लोग। हालांकि पैकेजिंग में आप देख सकते हैं, पहला कार्टून दिया हुआ है जिसे पिन से सील्ड किया हुआ था, अंदर सेकेंड कार्टून है, ये भी पिन सील्ड है, और ये थर्ड कार्टून है। तीन कार्टून इसलिए क्योंकि स्पीकर का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 36 kg लगभग, और उतना वेट संभालने के लिए और उतने बड़े स्पीकर को सेफ रखने के लिए इतना पैकेजिंग देना ज़रूरी होता है। पॉलिथीन से कवर्ड स्पीकर आप लोग देख रहे हैं। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी स्वीटन 18PT2000। ये एक 2000 वॉट का 18 इंच का स्पीकर है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसका मैग्नेट जो होता है ये 4 पीसेस वाला होता है, क्योंकि कहा जाता है इस टाइप के मैग्नेट में काफी ज्यादा प्रेशर बन सकता है, यानी रेगुलर मैग्नेट और इसमें लगभग 1.2% का फर्क आता है। नजदीक से दिखाने पे आप समझ सकते हैं कि चेसी और मैग्नेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। स्पीकर की चेसी आप लोग अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा मजबूत बनाई गई है, ये इसलिए भी क्योंकि इसे इतना वेट जो ढोना है। यहां से आप लोग देख सकते हैं मैग्नेट के पीसेस। इसके मैं टीयॉक की बात करूं जो कि ऊपर की साइड से है मैग्नेट के ऊपर, ये ब्लैक कलर में दिया गया है और काफी मोटा दिया गया है, क्योंकि इतना मैग्नेट को हैंडल करने के लिए और बनाए रखने के लिए इतना टीयॉक लग जाएगा। प्लस टीयॉक में हीट वेंटिलेशन के होल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं एक सेंटर में बड़ा सा होल है, क्योंकि इसका वॉइस कॉइल जो है इनर और आउटर है, तो इसे तीन जगहों से हीट वेंटिलेशन यानी कि ठंडी हवा पहुंचाना जरूरी होता है। टीयॉक पे दिए हुए ऊपर से बड़े होल में से अंदर की साइड ठंडी होती है, ऊपर के होल्स में से साइड से ठंडा होता है, और बाकी तीसरी साइड तो आप जानते ही हैं जो कि चेसी और मैग्नेट के बीच आती है। कोन आप देख रहे हैं, ये कार्बन फाइबर कोन होती है जो कि पार्शियली वाटरप्रूफ होती है और काफी बड़ी कोन दे रखी है। 18 इंच का 6 इंच वॉइस कॉइल के लिए कोन
काफी मुश्किल से ही मिलता है। यहां से आप कोन पे देख सकते हैं, यहां पे राउंड राउंड धारियां दी गई है, जिसके वजह से इसमें थोड़ा बहुत मिड भी मिक्स होता है। आपका मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा स्पाइडर पे, जो कि सिलिकॉन स्पाइडर है। इसके ऊपर वाइट जो सिलिकॉन लगा हुआ है, इसके वजह से ठंडी हवा अंदर तक पहुंच जाती है और कॉइल को ठंडा रहने में काफी मदद मिलती है। टर्मिनल्स आप लोग देख सकते हैं, शील्डेड लीड वायर इसमें लगाया गया है ताकि आपको लीड वायर टूटने का प्रॉब्लम कभी ना आए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स काफी कम मिलेंगे आपको, क्योंकि 18 इंच में 6 इंच वॉइस कॉइल बनाने वाले दो या तीन ही कंपनीज हैं, और उसमें से भी 2000 वॉट का पर्टिकुलर मॉडल, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसा मॉडल किसी अदर ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 इंच वॉइस कॉइल किसी अदर ब्रांड में 2000 वॉट के स्पीकर को नहीं दिया गया है। कोन को आप इजीली बजा सकते हैं। यहां से आप डस्ट कैप पे थोड़ा ख्याल देंगे तो ये कोन के साथ एकदम परफेक्टली बिठाई गई है ताकि ये निकले नहीं। हालांकि ये सेटअप जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं काफी ज्यादा हैवी है, जिसमें डुअल 18 का एक पेयर है और डुअल 15 के चार टॉप हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बेस का टेस्टिंग दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग डुअल 18 चेक करने वाले हैं। ये हमने स्केल रख दिया इसके ऊपर ताकि आप लोग इसके मैग्नेट के ह्यूज साइज को, यानी बड़ी साइज को समझ सकें। 12 इंच से भी बड़ा इसका मैग्नेट साइज दिख रहा है, आप लोग अगर स्केल पे ध्यान से देखते हैं तो। स्वीटन 18 पीटी 2000 पे 2000 वॉट का AES पावर लिखा गया है, लेकिन मैं जानता हूं ये AES पावर नहीं, ये RMS पावर भी हो सकता है इसका, क्योंकि ये इतना जनरेट कर लेता है। 8 ओम्स इंपेडेंस है, तो अगर आप एक चैनल पे ये दो स्पीकर लगाते हैं तो आपको 4000 वॉट एट 4 ओम्स देना पड़ेगा। चलिए कुछ डिटेल में आपको दिखा देता हूं। जैसे 18 इंच 6 इंच वॉइस कॉइल का ये स्पीकर है, देख ही सकते हैं आप, इसका मैग्नेट साइज 330 दिया गया है, यानी कि 2000 वॉट में सबसे बड़ा मैग्नेट किसी कंपनी का है तो वो स्वीटन का दिया हुआ है। इसका इंपेडेंस जो है वो 8 ओम्स का दिया गया है। इसकी कोन ग्लास फाइबर कोन है, हालांकि ये फ्रंट और रिवर्स दोनों टाइप की बेस फिटिंग में काम में आता है। इसका कॉइल का टाइप इन आउट दिया हुआ है कॉपर में, ताकि ये अंदर बाहर दोनों साइड से ठंडा रहे। Y35 का मैग्नेट ग्रेड दिया गया है, जो कि एक अच्छा ग्रेड माना जाता है। 35 हर्ट्ज से लेके 1.4 किलोहर्ट्ज तक का इसका फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है। 36 किलो 200 ग्राम का ये ओवरऑल स्पीकर है। सेंसिटिविटी इसका 93 dB दिया गया है और कंटिन्यूअस पावर इसका 4000 वॉट्स बोला गया है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी यहां पे लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका FS 32 हर्ट्ज दिया हुआ है TS पैरामीटर में, यानी कि ये 32 हर्ट्ज से भी काम करना स्टार्ट कर सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। इसका RE 6 ओम्स दिया गया है ताकि ये मिड की तरफ कम और बेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो इसका आउटपुट। बाकी पैरामीटर्स भी आप लोग देख ही सकते हैं। जब इस स्पीकर को हम लोग फिट कर रहे थे तो एक चीज समझ में आई कि क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा था, इसके मैग्नेट का साइज लगभग इसकी चेसी से मेल खा रहा था, इतना बड़ा था, तो इसे काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लाईवुड हमें देना पड़ा कैबिनेट में। तभी आप लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर जो हमने फिटिंग वाली साइड रखी है उसमें प्लाईवुड काफ़ी हैवी कर दिया है। एलन की नट बोल्ट पे इसे फिट करना होता है, और क्योंकि इसको रिवर्स कैबिनेट में हम लोग डाल रहे थे, यानी दोनों स्पीकर उल्टे इसके फिट हो रहे थे, तो इसका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आने वाला था। इसीलिए इसके फ्लो को ध्यान में रखते हुए
अंदर से इसका पंच भी प्रॉपर तरीके से बाहर तक आए और काफ़ी लंबा जाए। हमने इसीलिए इस टाइप का कैबिनेट इसके लिए डिज़ाइन किया। आप लोग अगर चाहेंगे तो इसकी कैबिनेट का डिज़ाइन जब आप मुझसे ये स्पीकर लेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या मे भी आप कंपनी से भी ले सकते हैं। लेकिन आज के जो कैबिनेट के अंदर हमने फिटिंग की, तो सही बोलता हूँ काफ़ी मशक्कत भरा काम था, लेकिन स्पीकर डिज़र्व करता है उतनी हैवी कैबिनेट को। वेट अगर मैं बोलूँ तो मान के चलते हैं कि ये फिट करने के बाद दो लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उठाया जा रहा था, क्योंकि इसका वेट इतना हो जाता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये सबसे नीचे रखे जाने वाला बेस होगा। अगर आप बेस की लाइन लगाते हैं तो ये सबसे नीचे रखे जाने वाला बेस होगा, तो ये सबका वज़न ढो भी पाएगा, यानी सबका वेट उठा भी सकता है, इतना ये वेटेड हो जाता है। और जब वाइब्रेशन की बात आती है तो अगर कैबिनेट में दम नहीं होगा तो कैबिनेट हिलना स्टार्ट कर देगी, तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए इस पर इतना वर्कआउट करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 24mm प्लाई इसमें लगाई जाती है अंदर की साइड में, जहां स्पीकर फिट होता है, ताकि ये स्पीकर का वेट आराम से संभाल सके, और एलन की नट बोल्ट पे से फिट किया जाता है। अंदर ग्लास वूल भी लगाया जाता है। टेस्टिंग के टाइम पे एक पार्ट मुझे याद आया कि क्यों न इसके सामने एक थोड़े बहुत पत्थर रख दिए जाए, ताकि सेटअप हमें समझ में आए कि ये कैसा बज रहा है और वाइब्रेशन इसकी कैसी है, आप लोगों को मैं ठीक ढंग से समझा सकूं। तो टेस्टिंग में मैंने हिंदी सॉन्ग बजाया है, मुझे उसका डर है, लेकिन आप वाइब्रेशन समझ सकते हैं कंकड़ पत्थर को हिलते हुए देख के। अब टेस्टिंग की तरफ जाने की बारी आ चुकी है हमारी। स्पीकर का सभी कुछ डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ, और अब हम लोग इसे चेक करने वाले आउटडोर में चल के डुअल 18 की कैबिनेट में डाल के। मैं आपको इस पे सॉन्ग कम सुनाऊंगा और बेस का वाइब्रेशन और पंच ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग 18 इंच का बेस का स्पीकर चेक कर रहे हैं। तो आप लोग अपने हेडफोन्स कृपया लगा लीजिए, ताकि इस आने वाली टेस्टिंग को आप लोग सही तरीके से समझ सकें, इंजॉय कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल शक्ति प्रदर्शन यानी कि ताकत दिखाने का काम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आप ये स्पीकर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैसिव साइज़ है, बहुत बड़ी साइज़ है, कॉइल भी इसका 6 इंच है, मैग्नेट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी दे रखा है Y35 में, यानी कि आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है हैवी पंच का और वाइब्रेशन का। तो इसके लिए आप ये स्पीकर बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, प्राइजिंग की बात है तो प्राइजिंग लगभग ये 1 लाख के अबो जाता है, अगर आप लोग इसे कैबिनेट के साथ लेते हैं तो। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि YouTube पे
कंटेंट लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, और इसमें हम लोग लाइक और सब्सक्राइब इसीलिए मांगते हैं ताकि हमारा एक मोटिवेशन बना रहे। अभी वैसे यूट्यूब थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा बना के रखे हुए हैं और आप लोगों के लिए लाने का सोच रखा है। भले अभी सेल थोड़ा सा कम चल रहा है, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन कंटेंट बनाना हमारा काम है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आगे भी आपको वीडियोस पसंद आने के लिए मेहनत करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।